नमस्कार गुड इवनिंग राहुल नमस्ते नेट अभी तक बंद है क्या हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ राहुल हाँ जी नमस्कार तो हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पटवारी पेपर इवनिंग शिफ्ट का हाँ जी राधे राधे राजीव कुछ जगह पे नेट बंद हुआ है छह बजे तक ही बंद रहना चाहिए था ना नेट तो अभी भी बंद है क्या हाँ नेट के बिना क्लास सुनी सुनी लगती है विद्यार्थियों के बिना चलिए कोई बात नहीं है ठीक है चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर एनालिसिस को मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थी आ जाए तो फिर प्रारंभ करते हैं तो आपने अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर से अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड करें ठीक है चलिए तो फिर अब हम शुभारंभ करते हैं लगभग आ गए हैं विद्यार्थी हाँ जी देखिए दोस्तों इवनिंग शिफ्ट के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उस पर हम बात करते हैं देखिएगा राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है जवाब दीजिएगा पोल एक्टिवेट कर दिया है और इस पेपर में जो भी आंसर लग रहे हैं ना इन पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना कि ये सही है ठीक है ना कुछ सही भी हो सकते हैं कुछ गलत भी हो सकते हैं आप अपना आंसर दीजिए तो राजस्थान की भील जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाता है ये है सवाल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों और यहाँ पे सेवेंटी थ्री प्रतिशत विद्यार्थी ठीक जवाब दे रहे हैं और आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा बिल्कुल गमेती हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है थोड़ा सा विचित्र सवाल लगेगा हो सकता है आपको ये कुछ ही विद्यार्थी कर पाए होंगे ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था खरडा क्या था दोस्तों ये खरडा क्या था गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु दो रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे या ये था खरडा या हम थोड़ा सा आगे चले तो यहां पर आप देखिए राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन इनमें से कोई नहीं श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि को खरड़ा कहते हैं क्या कहते हैं चारों ऑप्शन आपके सामने बताइए क्या आंसर होना चाहिए पोल एक्टिवेट कर दिया है हमने क्या है ये खरुड़ा इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है सवाल तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों श्रम जीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि को क्या कहते हैं खरुड़ा कहते हैं डी ऑप्शन अच्छा सवाल था नेक्स्ट अगला देखिए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहा है घग्गर का मैदान राजस्थान में कहाँ स्थित है घग्गर का मैदान ये लीजिए बिल्कुल आसान सा सवाल घग्गर का मैदान राजस्थान में कहां पर स्थित है जालोर व सिरोई में झुंझुनू फिक्कर में जैसलमेर व बाड़मेर में और गंगानगर या हनुमानगढ़ में बिल्कुल आसान सा आसान सा सवाल है दोस्तों और परफेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में यानी कि डी ऑप्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पिछला सवाल अच्छा था राहुल ओके राहुल आपका नाम क्या है यही है क्या जो चैट बॉक्स मतलब दिखाई देता राहुल ही है या कुछ और है हाँ जी आंसर क्या होगा अगला प्रश्न देखिए जरावली अच्छा ठीक राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे क्या कहेंगे डी एस दवे के के वर्मा इनमें से कोई नहीं या सरजू प्रसाद राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अलोन नमस्ते सर वीडियो का न्यू बेच कब आएगा वीडियो का बेच चल रहा है ना हमारा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी शुरू हो चुका है अलोन बाबू कब से स्टार्ट हुई थी क्लासेज आर्ट एंड कल्चर की लगभग तीन चार क्लासेस शुरू हो गई है आप देखिए मेरी प्रोफाइल में जाके देखिए सही आंसर हो जाएगा हिस्ट्री का पूछ रहे हो हिस्ट्री का देखिए अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री मतलब मेरा वाला कोर्स पढ़ना है तो वो तो फ़िलहाल अभी हिस्ट्री का तो आएगा नहीं और प्रीलिम्स में वैसे भी हिस्ट्री का पार्ट नहीं के बराबर है दो से तीन क्वेश्चन ही आएंगे हिस्ट्री में ज़्यादा पार्ट नहीं है कल्चर और ज्योग्राफी का ज़्यादा पार्ट है हाँ जी अलोन क्या कह रहे हैं सर मैंने आपको हाँ जी आगे भी बोली आगे भी बोली अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है। सुमेलित कीजिए भैया एक तरफ ग्रंथ हैं दूसरी तरफ लेखक हैं ग्रंथ और लेखक के बारे में बिल्कुल आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव और आंसर क्या होगा अच्छा ऐड कर देंगे आज कर देंगे बिल्कुल चिंता मत करिए एक बार आप वापस से कर देना मुझे ताकि मुझे वापस से आ जाए आपका संदेश वापस से करना <coughs> तो सही आंसर भाई देखिए पृथ्वीराज रासो हम सब जानते हैं चंद्रवरदाई वीर विनोद श्यामल दास और बातारी फुलवारी विजयदान दे था ठीक है ना ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने दोस्तों राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था हाँ जी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था देखिए अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखते हैं आज तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था हनुमा, हनुमान हनुमानगढ़ को लेकर अगर आपने पेपर देखा है तो देखा होगा आपने कि हनुमानगढ़ का पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में करौली का पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इंडिया हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी सुनील कह रहे हैं सुनील आप वो जो बेच कोर्स आ रहा है ना उसमें सभी विषयों के बारे में डिटेल्स दी गई है ना कि जोग्राफी का कब होगा इंडिया हिस्ट्री का कब होगा उसको एक बार आप देखिए उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सी डेट से होना है ऐसा मुझे भी याद नहीं है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 19 जुलाई उन्नीस सौ को करौली जिले का गठन हुआ है ठीक है चलो साहब नेक्स्ट अच्छा ये भी बताइए दोस्तों हाँ मॉर्निंग वाला भी ये भी करा देंगे आप ये बताइए करौली कौन से जिले आ, मतलब कौन सा क्रम का जिला है ये बताओ भाई पच्चीस वा है पैंतीस वा है पैंतालीस वा है कौन से क्रम का जिला है ये भी बता दीजिए चैट बॉक्स में लिखिए <coughs> किसी को नहीं पता तो गजब हो गई बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी जीतू पेपर कैसा हुआ पहले तो ये बताइए जीतू भैया आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में था या इवनिंग शिफ्ट में था पहले तो ये क्लियर करो आप <coughs> कौन सी शिफ्ट में था आपका पेपर मॉर्निंग में था तो कैसा हुआ कितने क्वेश्चन हुए हम सभी विद्यार्थियों के साथ साझा करिए आप आपकी अच्छी तैयारी थी तो कितने क्वेश्चन आपने अटैम किए थे पेपर में फिर कट ऑफ का भी आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा <coughs> मस्त हुआ है चेतना का इवनिंग में था पेपर ओके okay. जीतू जी प्लीज़ जल्दी जवाब दीजिए हम सब आपके जवाब का वेट कर रहे हैं एक किए हैं जीतू जी ने अच्छा तो कितने क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है आपको जीतू जी एक में से नहीं नहीं सत्यवचन बोलेगा जीतू उसे झूठ नहीं बोलता कभी कितने सही हैं एक सौ में से ये भी बताइए एक सौ बीस के आसपास सही हैं अच्छा ठीक है मान लेते हैं एक सौ बीस आपके सही हैं और पंद्रह क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो यानी कि पांच नंबर और लेस कर दो आप तो आपके एक सौ पंद्रह का स्कोर आ रहा है ठीक है और मैं पांच अपनी तरफ से और लेस कर देता हूँ भी थोड़ा सा और बुरे से बुरा मान के चलें भाई आपने एक के आसपास बोला है तो पाँच और लेस कर दो तो भी एक नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल 110 नंबर में तो संभावना है सर आपके सिलेक्शन होने की बिल्कुल साहब कतार में हो आप जीतू जी अब एक बार एग्जैक्ट जोड़िए कितने नंबर आ रहे हैं आपके भी आपका स्कोर आ रहा है लगभग 110 से 115 के आसपास हो रहा है आपका स्कोर अब देखिए इसको एक बार वापस से देखना एक दो दिन के बाद वापस से बताना कि कितना आ रहा है आपका स्कोर अच्छे से की मिलाइए एक बार फिर बात करेंगे आपसे बस अब की हो ही जाए तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं अभी देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे आप तो ये बताइए जीतू जी साथ में कि आपने जो हमारी राजस्थान जीके की क्लासेस जितने समय से आप ले रहे हो वो आपके लिए उपयोगी साबित हुई या नहीं हुई है कि राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर ये तीन विषय आपने पढ़े हैं हाँ जी इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे देखिए वैसे तो ऑप्शन में आंसर नहीं है देखा जाए तो वैसे तो ऑप्शन में आंसर नहीं है देखा जाए तो क्योंकि राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक तो कौन था राव सिहा था मेरे ख्याल से लेकिन हमें चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को अगर हमें चूज करना है वो तो मोकल तो है नहीं राव रणमल तो ऑलरेडी गलत है और चौथा ऑप्शन कौन सा है राव जोड़ा हो नहीं सकता ठीक है ना तो राव चूड़ा के साथ हम जाएंगे सी ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ओके ओके जीतू जी धन्यवाद नेक्स्ट अगला सवाल देखिए ये देखिए बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है ये आज क्वेश्चन नंबर आठ असंगत कौन सा है इसमें से हाँ जी बताइए आंसर कौन सा युग्म असंगत है मतलब इसको कॉपी कर रहे हो आप लोग मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसमें जो भी आंसर लगे हुए हैं जरूरी नहीं है वो सही हो लेकिन आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आंसर नहीं दे रहे हो सही आंसर यहाँ पे होगा ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देखिए वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में आता है बिल्कुल सही है अच्छा ओके शोभेंद्र रमा नाथ का मंदिर पुष्कर में आता है समदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में आता है तीनों सही है सर ए ऑप्शन यहां पे गलत होगा अलवर नहीं आएगा सर यहां पे आएगा जयपुर और आपको पता है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कौन सा है जिसको हम बिरला मंदिर कहते हैं वही है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बिरला मंदिर ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है पढ़ाया भी था क्लास में आपको कि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है यहाँ पे इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहते हैं हाँ ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़िया सवाल था नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन इस प्रश्न को तो हम करते करते थक गए इतनी बार किया है क्वेश्चन नंबर नाइन अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है हर विद्यार्थी ने सही किया होगा दोस्तों आंसर फिलहाल इसका आंसर बताइए वापस मैं पोल एक्टिवेट कर ही देता हूँ क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है आपको देखिएगा बात करते हैं इस पर कालानुक्रम पूछा गया है आसान सा सवाल है रणथंबोर पर आक्रमण हुआ था 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में और जालोर पर आक्रमण हुआ था 1311 में जब रणथंबोर पर आक्रमण हुआ था तो हमीर देव चौहान यहाँ के राजा थे 11 जुलाई 1301 को साका हुआ था केसरिया का नेतृत्व हमीर देव चौहान ने किया था और जौहर का नेतृत्व उनकी रानी रंगदेवी ने किया था ये तो बात हुई रणथंबोर के आक्रमण की चित्तौड़ के आक्रमण की बात करें तो यहां पे केसरिया का नेतृत्व किया था रावल रतन सिंह जी ने जौहर का नेतृत्व किया था रानी पद्मिनी ने 1600 सौ सो महिलाओं के साथ यहाँ पे जोहर किया था जोहर कुंड भी है रणथंबोर दुर्ग सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा जालोर पर आक्रमण 1311 ग्यारह में कमाल उद्दीन गुर्ग ने यहाँ पे आक्रमण किया था सर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और जालोर का राजा कौन था कानड़देव कानड़देव का पुत्र भी था वीरमदेव और यहाँ पे कारण जो मिलता है इतिहास में अलग अलग मत मिलते हैं मूण और नैनसी साहब कहते हैं कि यहाँ पे एक पक्षीय प्रेम युद्ध का कारण बना था फिरोजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के हरम की एक राजकुमारी थी वो वीरमदेव से प्रेम करती थी लेकिन वीरमदेव फिरोजा से प्रेम नहीं करता था और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था जालोर का आक्रमण तेरह में जालोर का शाखा हुआ था ठीक है नड दे चौहान बिल्कुल तो यहां पे बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा चलिए साहब नेक्स्ट अगला सवाल देखिए अट्ठारह की क्रांति से आ रहा है क्वेश्चन नंबर दस राजस्थान के कोटा राज्य में अठारह के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे क्रांति से पक्का सवाल है कल के पैटर्न के ऊपर ही ये पूरा पेपर हां साहब बताइए राजस्थान के कोटा राज्य में अठारह के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे खुशाल सिंह राम सिंह लाला हरदयाल महावत खां नैनू राम या लाला जयदयाल मेहराब खां सही आंसर हो जाएगा एटी नाइन प्रतिशत लाला जय दयाल तथा मेहराब खान डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हाँ जी जीतू जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जीतू जी सभी विद्यार्थियों से चलिए आपसे अवगत कराते हैं जीतू जी की बात कराते हैं एक सौ चौंतीस क्वेश्चन किए हैं आज के पेपर में हाँ जी नमस्कार जीतू जी एक सेकेंड कॉल लग रहा है जीतू जी हाँ जी गुड इवनिंग जीतू जी क्या हाल चाल है तो आप पेपर देके पहुंच भी गए आज घर पे जयपुर हो, हो खोले के अनुमान जी हो गया मुझे ऐसे लग रहा है जयपुर में लगता है कोल्ड डिस्कनेक्ट हो गया जोटवाड़ा में ही हो क्या बात है अच्छा अच्छा बताइए साहब कैसा हुआ पेपर क्या कहना चाहेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात जैसे हाँ नहीं, नहीं जैसे कल का कल के पेपर हमने एनालिसिस किए थे तो कल की मैं भी यही बात की थी मैंने यही कहा था आपको कि इसी तरीके से करके जाना पूरा पेपर आप विक्रम हम्म सही बात सही बात है, सही बात है। और देखो आप कुछ चीजों पे नोट करो प्रजामंडल का चारों शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ओ, आज भी नहीं आया मतलब कल भी नहीं थे आज भी नहीं थे ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन नहीं है एक दो क्वेश्चन है स्थिति विस्तार और बौद्धिक प्रदेश से बस बिल्कुल बिल्कुल सही है तो मतलब आपने दिमाग लगा के किया था क्या कि सारा काम भाई आपका सेकंड शिफ्ट में था पेपर सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह था हम्म 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 चलो अच्छा नहीं लेकिन सही है जैसे आज इसमें वो कल युद्ध का पूछा था क्रम तो आज वो रणथंबोर वाला पूछ लिया पैटर्न सेम ही चल रहा है लगभग चलो ठीक है आपके मतलब एक सौ पंद्रह के आसपास बन रहा है स्कोर आपका अच्छा एक सौ पंद्रह कम नहीं बोल सकते सही है स्कोर एक सौ पंद्रह नहीं नहीं अब इस पर तो कुछ भी नहीं ठीक है हो गया जो भी हो गया अब वीडियो पे लग जाओ तुरंत प्रभाव से कल से ही हाँ हाँ अभी आर एस का तो दे आओ अभी कितने कहां पे आसेंट अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं ठीक है दो तीन दिन उसका पढ़ो और फिर वीडियो का स्टार्ट कर देना तुरंत प्रभाव से चलो साहब ओके जीतु जी धन्यवाद धन्यवाद चलिए दोस्तों तो ये आज के पेपर का कैसा था पेपर आपने सुना ही होगा सभी ने चलिए ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं लाला जय दयाल एवं मेहराब खान डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा वॉइस रही क्या अगला सवाल देखिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है कौन सा डांस कालबेलियों का नहीं है कालबेलियों का डांस नहीं है तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल चरी ये देखिए मैंने कालबेलियों के डांस की आपको ट्रिक लिखवाई थी कालबेलियों की बाई फस गई याद है क्या मैंने बताया था बागड़िया इंडोनी पणिहारी शंकरिया ये देखिए इंडोनी शंकरिया पणिहारी और ये चरी जो डांस है ये गुजर जाति का है ठीक है ना चरी रख के आग जला के डांस किया जाता है सर के ऊपर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह देखिए मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे देखिए एकीकरण में से क्वेश्चन आ रहा है कल भी आए थे आज भी आ गया है ये लीजिए तो जिसने भी कल के पेपर को देख के थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन करके रिवीजन किया होगा उसको जरूर बेनिफिट मिला होगा आज के पेपर में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री का नाम पूछा है एकीकरण का प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन है इतनी सी बात है आंसर क्या रहेगा शोभा राम कुमावत रहेगा सी ऑप्शन सौरभ पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है देखिए मैं आपको मेरा एक अनुमान बता रहा हूं जनरल बॉयज की कट ऑफ बता देता हूं मैं आपको जो मुझे लगता है जनरल बॉयज की जो कट ऑफ रहेगी लास्ट टाइम कितनी गई थी कट ऑफ दोस्तों किसी को आइडिया है क्या कितने क्वेश्चन की कट ऑफ गई थी जनरल बॉयज की लास्ट टाइम किसी को आइडिया है क्या कुछ लास्ट टाइम वन सिक्स अरे परसेंटेज में नहीं क्वेश्चन में बताऊँ ना वन वन नाइन्टी सिक्स को डिवाइड करो भैया दो से डिवाइड कर दे या तो नाइनटी एट क्वेश्चन बता रहे हैं अभी बता देते हैं आपको कट ऑफ मेरा अनुमान क्या कहता है वो बता देता हूँ मैं आपको जो मुझे लगता है अच्छा नाइन्टी एट क्वेश्चन गई थी लास्ट टाइम इस बार मैं जनरल बॉयज़ की कट ऑफ मान के चल रहा हूँ लगभग 110 से 115 के आसपास रहेगी अब देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि ये 105 से भी मान सकते हो आप 105 ले सकते हो इसको आप 105 से लेके 115 के आसपास क्योंकि देखिए इस बार हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है एक तो पद ज्यादा है भाई पद सौ दो सौ सौ पद नहीं है आपकी भर्ती में कितने पद हैं 5300 हजार तीन सौ के आसपास पद हैं लगभग 5300 हजार तीन सौ के आसपास पद हैं तो पद काफी अच्छे हैं और लगभग जनरल बॉयज की जो मेरे अनुमान से ये कट ऑफ रह सकती है लगभग एक सौ से लेके एक सौ पंद्रह तक बाकी देखते हैं फिर क्या रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सवाल देखिए तो यहां पे देखिए ये वन्य जीव अभ्यारण का सवाल राष्ट्रीय मरु उद्यान ताल छापर फुलवाड़ी की नाल बंद बारेठा अब देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हुआ है ये मरु उद्यान का कल भी आया था जैसलमेर ताल छापर का ये चूरू फुलवाड़ी नाल बन बारेटा भरतपुर ये उदयपुर ठीक है ना जी हाँ नेक्स्ट अगला देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और कोई भी विद्यार्थी हो जो पेपर के बारे में अपनी बात रखना चाहता हो कि पेपर कैसा हुआ है उनको क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी पेपर का आज का रेज योर हैंड करके आप बता सकते हैं सभी के साथ शेयर कर सकते हैं तो सही आंसर हो जाएगा इसमें एस के घोष ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का क्वेश्चन आपके सामने 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था हाँ जी बताइए क्या कहेंगे 86 सिक्स प्रतिशत ठीक जवाब दे रहे हैं मोहम्मद हादी मोहम्मद हादी किसान आंदोलन से सवाल आया कल भी मैंने आप सभी को कहा था कि किसान आंदोलन में से क्वेश्चन आ रहा है कल नीमू चढ़ा भी आया था बिजोलिया भी आया था और ये आज ये क्वेश्चन भी आ गया है मे किसान आंदोलन बिल्कुल चलिए देखिए पीपल पन्ना क्या गजब का सवाल है कई बार किया है हमने स्पेशल क्लासेज में पीपल बनना क्या है बताइए ये लीजिए उषा जी कह रहे हैं कि मेरे 109 सही है एस सी कैटेगरी में बिल्कुल उषा जी आपका स्कोर अच्छा है और मेरे हिसाब से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें आराम से हो जाएगा उषा जी <clears throat> 109 नंबर अच्छा स्कोर है एस सी कैटेगरी में कोई डाउट ही नहीं है और फिर फीमेल की कट ऑफ कम रहती है उससे तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है अगर एक सौ नौ ही नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना तो कोई डाउट नहीं है देखिए पीपल पन्ना कई बार करवाया था क्लास में आपको स्त्रियों के कान का आभूषण नहीं है बी ऑप्शन अगला सवाल देखिए हाँ जी शेखावत नमस्ते मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह संत कौन से हैं कई बार किया ही है ये क्वेश्चन भी हमने बात ही है ये पंद्रह सौ की याद है आप सभी को पंद्रह पिचासी की बात ही है ये और आंसर क्या होगा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें दादू दयाल जी दादू दयाल जी का जन्म पंद्रह सौ चुमालीस में हुआ था और पंद्रह सौ पिचासी में अकबर ने इनके साथ भजन कीर्तन किए थे यहीं पे फतेहपुर सीकरी में ठीक है ना? हाँ जी वंदे मातरम अरविंद नमस्ते अगला देखिए दोस्तों अगला सवाल सही उत्तर चुने दोस्तों जल महल एक थम्बा महल जूनागढ़ किला कितना आसान सा सवाल है प्यारा खूबसूरत सवाल जवाब दीजिए क्या होगा देखिए इसमें जो आंसर लगे हुए हैं इसमें जो आंसर लगे हुए हैं उसके आधार पे आप मत कहिए कि आंसर ये होगा जल महल एक थम्बा महल जूनागढ़ किला कई बार किया है ये क्वेश्चन और आंसर क्या होगा बिल्कुल आंसर होगा ए ऑप्शन। क्योंकि जल महल तो जयपुर में आएगा एक थम्बा महल जोधपुर में है और जूनागढ़ किला बीकानेर में ए ऑप्शन आंसर होगा चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो हमारा सब्जेक्ट का है ही नहीं ट्वेंटी वन पे देखिए दोस्तों राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है बहुत बढ़िया गजब का सवाल ट्वेंटी वन नंबर का देखिए अच्छा सवाल था और आंसर इसमें वही होगा तंदूरा आंसर माना जाएगा दोस्तों इसमें बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट अगला देखिए देखिए हमारा एक फेवरेट सवाल जो हमने स्पेशल क्लासेज में इतनी बार किया है इस क्वेश्चन को लालिया कालिया का मेला आयोजित होता है बताओ अगर आप स्पेशल क्लास लेते हो तो कई बार किया है हमने यह क्वेश्चन लालिया और कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है जयपुर में भरतपुर में अजमेर में या भिलवाड़ा में और ये जिसका भी पेपर था उसने स्पेशल क्लास नहीं ली हमारे देखिए तभी खाली रिक्त स्थान छोड़ के आए भाई साहब पेपर में कुछ भी करके नहीं आए सही आंसर हो जाएगा अजमेर सी ऑप्शन अगला देखिए राजस्थान में पचवेदा पछेवड़ा होता है एक्चुअल में तो ये लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे ही ट्रांसलेट में गलती हो जाती है इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पे इसको बोलचाल में उसको पछेवड़ा बोलते हैं पचवेदा लिखा है इसमें बताइए क्या है ये पचास परसेंट लोग ही दे पा रहे हैं जवाब आंसर वही होगा ये मोटी मोटा सूती सोल होता है डी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट अगला देखिए ट्वेंटी फोर नंबर का सवाल है ये देखिए ट्वेंटी सिक्स नंबर का देखिए कौन सा युग्म सही है ये बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही है हाँ सर बताइए और सही आंसर यही रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन ललित कला अकादमी उन्नीस सौ सत्तावन डी उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीस मॉर्निंग के भी डिस्कस करेंगे टेंशन मतलब ना आप ये देखिए सातुड़ी तीज का सवाल आया है राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है कब सातुड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है राजस्थान में और आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज कहो बड़ी तीज कहो बुड्ढी तीज कहो कजली तीज कहो एक ही बात बूंदी की फेमस ही है ही है ना जी उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी बात अब देखिए मॉर्निंग में आज कौन से सवाल पूछे गए थे उन पे भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं दोस्तों ये देखिए मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में ये सवाल पूछे गए थे छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है ये आया था मॉर्निंग में आज अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो इवनिंग शिफ्ट के थे ये देख लीजिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल छप्पन का मैदान कितना आसान सा सवाल था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नेक्स्ट देखिए शहर या जनजाति राजस्थान के किस ज़िले में निवास करती है मॉर्निंग शिफ्ट शहर या जनजाति राजस्थान के किस ज़िले में निवास करती है बारान डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आसानदा सवाल गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था यह सवाल पूछा गया था और इसका आंसर क्या आएगा बारह जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर दोड़ो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत याद करो स्ट्री को डी ऑप्शन चलिए जी नेक्स्ट अगला सवाल देखिए कि कछवा शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाई जीतू जी से पूछते हैं पहले जीतू जी इस प्रश्न का आंसर क्या किया था आपने पहले ये बताइए आपने हमें भैया आपने तो इतिहास भी पढ़ा है हमसे तो इसमें आपने क्या आंसर लगाया था आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से सी किया था क्या बात है चलो आप लोग बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आमेर को अपनी राजधानी कौन से शासक ने बनाई थी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लगभग सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोगों ने दूल्हे राय आंसर किया इस क्वेश्चन में जबकि दूल्हे राय गलत होगा कोकिल देव आंसर होगा सी ऑप्शन सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ देखिए चार राजधानियां बनाई गई थी जयपुर की सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को एक तो सबसे पहले तो दोसा बनाई गई थी फिर उसके बाद जमवा रामगढ़ बनाई गई थी फिर उसके बाद आमेर बनाई गई थी और फिर उसके बाद जयपुर बनाई गई थी ठीक है ना तो ये दोसा और जमवा रामगढ़ ये दोनों तो बनाने वाले कौन थे दूल्हे राय थे जिसको हम तेजकरण भी कहते हैं आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था कोकिल देव था जो कि दूल्हे राय का पुत्र था और जयपुर को राजधानी बनाई थी सवाई जय सिंह ने हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना तो इसमें सी आंसर होगा कोकिल देव न कि दूल्हे राय होगा ये देखिए नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे स्थित है बेंच ये कल प्रधान पीठ पूछी थी आपसे तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा जयपुर हो जाएगा इसका आंसर कल प्रधान पीठ पूछी थी तेईस अक्टूबर को ये देखो भैया सुमेलित कीजिए इसमें क्या किया आपने आंसर हमी रायण ठीक है और फिर यहाँ पे बताइए एक सेकेंड इसमें क्या किया अब देखिए मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनना देखिए आप सब लोगों ने पेपर दिया है सी ऑप्शन ठीक है ना आप लोगों ने पेपर दिया है तो मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी तो मैं आपको यही कहूँगा कल कल का दिन और दे देना इस कट ऑफ कट ऑफ के खेल में चौबीस तारीख आज हो गई और पच्चीस अक्टूबर जितनी भी बातें करनी है ना कट ऑफ के ऊपर कल कल के दिन में कर लेना पेट भर के कर लेना छब्बीस तारीख से छब्बीस अक्टूबर से वीडियो की तैयारी स्टार्ट कर देना समझ रहे हो ना क्योंकि ये कट ऑफ कट ऑफ की बातें जितनी ज़्यादा करोगे ना आप लोग उतना ही ज़्यादा दिमाग खराब होगा और उतना ही ज़्यादा ध्यान आपका अगली तैयारी अगले एग्जाम से दिमाग हटेगा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपके साथ कट ऑफ के खेल में उसको पूछा उसको पूछा वो कहेगा इतनी जाएगी वो कहेगा इतनी जाएगी नहीं इतने तो कम है वो कहेगा इसमें तो आराम से हो जाएगा रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा आ गए आपके नंबर उसको रख दो साइड में अगले एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो उतनी जितनी ज़्यादा डिस्कस करोगे ना कट ऑफ को लेकर उतना ही दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा और दिमाग पे जब जब प्रेशर आएगा फिर आप काम नहीं कर पाओगे दुखी हो जाओगे परेशान रहोगे बेचैनी सी हो जाएगी तो इसको साइड में रख देना जो हो गया सब सही है ना यार रिजल्ट देख लेंगे और किसी के बोलने नहीं बोलने से थोड़ी सलेक्शन रुकेगा वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी सामने आएगी एक्चुअल में बात उम्मीद है मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे तो इसको मत करना ज़्यादा कल कल कर लो डिस्कस बस और मैंने आपको बता ही दिया लगभग जनरल बॉयज़ की कट ऑफ का जो मेरा अनुमान है एक सौ पाँच से लेके एक सौ पंद्रह नंबर तक रहनी चाहिए बाकी देखो फिर क्या होता है जनरल बॉयज की बता रहा हूँ मैं ये नेगेटिव मार्किंग भी तो है और पेपर भी इतना इजी नहीं कह सकते अच्छा पेपर है ना तो टफ है ना इजी है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सवाल देखिए और ओबीसी जनरल की तो कट ऑफ लगभग बराबर ही जाती है एक दो नंबर का डिफरेंस होता है अट्ठारह में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी अच्छा सवाल है ये भी ठीक है ना मैं ही बता देता हूँ पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सही आंसर हो जाएगा डी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो ये कच्ची गोड़ी डांस किया जाता है शेखावटी में किया जाता है कौन सा असंगत है ये मंदिर वाला सवाल है दोस्तों हर्षत माता विभीषण मंदिर हर्षनाथ यहाँ पे बाड़मेर न होकर बांसवाड़ा आएगा यहाँ पे ठीक है ना बांसवाड़ा और देखिए ये चौहान वंश का काल क्रम पूछा गया है मैं ही बता देता हूँ आप रहने दीजिए तो देखिए सबसे लास्ट में तो पृथ्वीराज आएगा पहला ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया देखते सी ऑप्शन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ये है ये देखिए वाला सवाल आया कि कुंभलगढ़ से ही बात हो रही है रात में आया मॉर्निंग का और इजी था पेपर आज ठीक है ना ये देखिए सर्किट वाला क्वेश्चन आया था शेखावटी से ही बात बन रही है बस बात खत्म बी में तीन सी ऑप्शन संत पीपा की गुफा कहाँ है टोडा में है मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है छतरी गागरोन में है इसके प्रयासों से समाप्त हुआ शेखावटी का आंदोलन हीरा लाल शास्त्री यह भी क्लास में लिखवाया है मैंने नोट्स में बिल्कुल हीरा लाल शास्त्री कला विद्यालय की स्थापना की यानी कि मदरसाए हुनरी की, मदर की स्थापना कब की अठारह सो सत्तावन में की जिसको हम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं और देखो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कई प्रश्नों में आया लेकिन एक में भी सही नहीं है ये चलिए ठीक है ये देखिए किराड़ू के मंदिर जग मंदिर बिल्कुल आसान सवाल बाड़मेर उदयपुर बीकानेर बी ऑप्शन लेकिन अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी अरे स्वामी लालगिरी जी ने गदे पे उल्टा बिठाकर मुंह को काला किया जाता है जूतों की माला पहनाई जाती है पूरे गांव में घुमाया जाता है फिर अंत में शरबत पिलाया जाता है ठीक है ना अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं इसमें देखिए मेरे अनुसार जो आंसर होगा वो सारंगी होना चाहिए आंसर अब आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि भपंग भी हो सकता है आंसर लेकिन देखिए भपंग भी मेवाद क्षेत्र में बजाया जाता है हाँ भपंग भी बजाया जाता है लेकिन यहाँ पे जोगी जाति हो आ रही है जोगी जाति की सारंगी बजाते हैं हाँ बाकी इसका आंसर सारंगी होना चाहिए मेरे हिसाब से बाकी मैंने देखा नहीं है अभी बाकी देखते हैं इसको सारंगी या भपंग में से एक है ज्यादा संभावना सारंगी की है सी ऑप्शन की ठीक है नेक्स्ट और ये जोगी जाति के बारे में कल भी आया था तेईस अक्टूबर के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जोगी सारंगी के बारे में जिक्र किया था जोगी या सारंगी है ना मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को भी भपंग मेवाद में बजाया जाता है नो no डाउट ठीक है लेकिन यहाँ पे जोगी जाति मेंशन हो रहा है अलवर में भी जोगी जाति तो यहाँ पे सारंगी वाला इसलिए सही लग रहा है बाकी देखते हैं उसको चेक करते हैं और नागौर का भू किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो ये कच्ची मिट्टी के बर्तनों के लिए खिलौनों के लिए ठीक है ना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन और ये तो क्लास में भी लिखवाया है आपको ठीक है ना? तो ये, ये चैत्र अष्टमी के दिन डी ऑप्शन तो ये राजस्थान जीके के आज सवाल पूछे गए थे ठीक है तो ये अन के प्लेटफॉर्म पर अनअकेडमी के ऐप पर ये फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध है दोस्तों आर के लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए पटवार के लिए ठीक है ये फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध है इसके अलावा ये प्लस के फीचर्स हैं दोस्तों अकबर वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा अकबर वाला फतेहपुर सीकरी वाला ये पीडीएफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेज और केवल एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी टीचर्स की क्लासेज जन अकेडमी पर अटेंड कर सकते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन दोबारा कमेंट करके बताएं ये कई बेच कोर्सेज जन अकेडमी पर चल रहे हैं दोस्तों वीडियो के लिए आर एस मुख्य परीक्षा के लिए ठीक है ना? ये प्लस पर टेस्ट सीरीज चल रही है इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और फ्री क्लासेस को देखने के लिए एक अनलॉक कोड आपसे पूछा जाएगा अनलॉक कोड क्या रहेगा विशाल थ्री सिक्स रहेगा नहीं राजपूत संबंध बनाने का प्रमुख कारण आज पूछा गया है क्या सवाल ये कौन सा सवाल आ गया ये राजपूत संबंध वाला सुबह आया था पीडीएफ में तो नहीं है हमारे पास हाँ पुराना ले रखा है तो ठीक है और रिवीजन के हिसाब से लेना चाहते हो तो ले सकते हो चंचल ठीक है ना देख लेंगे आप मुझे भेजना एक बार व्हाट्सएप पे कौन सा क्वेश्चन था भेज देना आप मुझे देख लेंगे ठीक है तो ये आज के पटवारी के पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली हाँ हाँ ठीक है आप जीतू भेज दें ठीक है चलिए तो फिर रात को नौ बजे प्लस क्लास में आपसे मुलाकात होगी आज नाइन पी पे मिलते हैं प्लस क्लास में ठीक है धन्यवाद थैंक यू